गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2024 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है, क्या एग्जाम का पैटर्न है एंड सिलेबस क्या है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या आई हुई। तो सारी ही बात हम डिटेल्स में करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सो हे एवरीवन, यू आर वॉचिंग एग्जाम एक्सप्रेस चैनल। सो गाइज, वी विल डिस्कस अबाउट एसएससी एमटीएस का ये वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 27/6/2024 से स्टार्ट हो रहा है एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 31/7/2024। बात करें हम यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्जाम शेड्यूल किया गया है। अक्टूबर नवंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। एंड वैकेंसीज के लिए बात करें तो जो टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट के लिए, तो एमटीएस के लिए 4887 एंड हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए 3439 यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनलिटी एंड सिटीजन क्या। जैसे कि कैंडिडेट मस्ट यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। एज लिमिट के लिए बात करें एज ऑन 1/8/2024 के लिए, जैसे कि एससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर का क्या है एज लिमिट यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https.ssigovernment.in के साइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना। एंड ये जो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, जैसे कि फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड एंड कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। ओके, तो सारी इंस्ट्रक्शंस है ये। एप्लीकेशन फ़ी के लिए बात करें तो आपकी जो फी है, फी पेएबल है 100 रुपीज़। एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए एंड जो एस सी एस टी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए क्या एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए बात करें 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 तक इसमें करेक्शन के लिए बात हो रही है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो सेंटर जैसे कि मुजफ्फर, पटना, आगरा, गोरखपुर, कानपुर एंड जैसे भुवनेश्वर, इन सब सेंटर्स में आपके क्या एग्जाम कंडक्ट होने, भोपाल, इंदौर, जबलपुर हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है एंड जो पोस्ट है वो हवलदार की पोस्ट है। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ सीबीएन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन 13 रीजनल लैंग्वेज एंड मतलब 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कि क्या आपका सिलेबस है एंड कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने मार्क्स का एंड टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है। जैसे कि सेशन वन के लिए बात करें न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी में, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स है 20-60 एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 20-60 एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 45 मिनट का। ओके, अगर हम यहाँ पे सेशन टू के लिए बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स है 25-75 एंड 25-75 एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है फॉर ऑल 4 पार्ट्स के लिए 45 मिनट्स। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन वन सेशन टू ऑन द सेम डे, बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी एंड कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट टू कम्प्लीट सेशन वन एंड जो सेशन टू के लिए टाइम है वो आपका 45 मिनट, सेम टाइम, इसमें नो चेंजेस। एंड आपका ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन वन सेशन टू, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। इंडिकेटिव सिलेबस के लिए बात करें कि जैसे कि मैथ का सिलेबस क्या है, तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे इसमें होल नंबर्स, एलसीएम, एससीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस, बोर्ड मास हो गया, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज रेशियो, एवरेज सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरियन पैरामीटर्स, जियोमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल। तो यही सारे आपके क्या टॉपिक्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बात करें तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया एंड जनरल लर्निंग एबिलिटी, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलेंडर एंड क्लॉक,
कैलकुलेशंस, एज, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक, इकोनॉमिक, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बात करें, वॉकिंग फॉर मेल एंड फीमेल्स के लिए तो 1600 मीटर इन 15 मिनट एंड 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। ओके, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है इसमें, ठीक है, हम चलते हैं। एग्जाम का हमारा पैटर्न हो गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है सेशन वन सेशन टू के लिए। तो जैसे कि अनरिजर्व के लिए बात करें तो 30%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 25%। तो गाइज आज की वीडियो हमने सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिए। आप लोगों को वीडियो में अगर कोई डाउट आता तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। टिल द टेक केयर एंड गुड बाय।